चिल्ड्रन हिंदी लैंग्वेज क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 9 क्रिया। क्रिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्रिया का मतलब होता है वर्ब, काम बताने वाले शब्द। तो बच्चे देखिए, सुबह से लेकर शाम तक जैसे आपकी आंख खुलती है और शाम तक जब तक आप सो नहीं जाते तब तक जो कुछ भी आप करते हैं वही काम होता है, उसी को क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कहना है कि मेरे मम्मी पापा काम पर जाते हैं, काम करके आते हैं, उनको उसके बदले पैसा मिलता है, तो वो तो हो गया सर्विस जॉब, वो भी काम है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सिर्फ वही काम है। नहीं, सुबह आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप जग जाते हैं, तो जगना भी क्या है, क्रिया में आता है, काम में आता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, दातुन करते हैं, मंजन करते हैं, नाश्ता करते हैं, कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं। ठीक है, फिर हंसते हैं, बोलते हैं मम्मी पापा से, है ना, बात करते हैं, फिर आते हैं, जाते हैं, कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से वापस आते हैं, स्कूल में जाकर आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, झगड़ा करते हैं, है ना, ढेर सारी चीजें आप करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, खेलते हैं। तो ये सब सारी चीजें, जो भी छोटी से छोटी चीजें आप करते हैं, अब देखिए मैं पढ़ा रही हूँ तो क्या हो गया, मैं भी एक काम कर रही हूँ ना, पढ़ाना भी एक काम होता है, बोलना, मैं बोल रही हूँ तो बोलना भी क्या होता है, एक तरह का काम है। ठीक है, और आप सुन रहे हैं तो सुनना भी क्या हुआ, काम होता है। ठीक, देखना, ये सब काम होता है। तो बच्चे देखिए, सुबह से लेकर शाम तक आप जो कुछ भी करते हैं, कम से कम 10 शब्द तो आप बता ही सकते हैं, है ना, तो 10 शब्द आप सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करते हैं, आसान आसान शब्द 10 शब्द आप लोग लिखिए और उसे सीखिए, तो क्रिया करते हैं। एक बात और बच्चे कि देखिए, काम सिर्फ किया ही नहीं जाता है, कुछ काम जो होते हैं अपने आप भी होते हैं। इसकी परिभाषा अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे में भी आप लिख सकते हैं, जैसे में है आना, जाना, लिखना, पढ़ना, हंसना। तो बच्चे देखिए, यहाँ क्या कह रहे हैं, जिन शब्दों से किसी काम को करने, कुछ काम होते हैं जो हम खुद करते हैं या दूसरे लोग के द्वारा होता है, लेकिन कुछ काम जो होता है वो अपने आप होता है, जैसे या होने का पता चलता है, तो कुछ काम अपने आप होता है, जैसे कि धूप निकलती है तो ना आप करते हैं ना मैं करती हूँ, वो अपने आप होता है, हवा चलती है, बारिश होती है, नदी बहती है, तो ये सारी चीजें कुछ होती है जो किसी के द्वारा नहीं होती है, अपने आप होती है, तो वो सभी चीजें भी क्रिया के अंतर्गत आती है। तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि ये सारा आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगली क्लास में हम आपको मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।